अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इफ्रा सफदर। तो आज की इस वीडियो में हम बीफ फेफड़ा मसाला बना रहे हैं। बीफ फेफड़ा मसाला बनाने के लिए हमने फेफड़े को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें 1/2 प्याली दही ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अब हमने फ्राइंग पैन को गरम कर लिया है और इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिए हैं। मैरिनेटेड बीफ फेफड़े को ऑयल में डाल देंगे और अच्छी तरह से मटन कलेजी को हम मिक्स कर लेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। कलर अब इसका चेंज हो चुका है, अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक देंगे। चलें जी, आधे घंटे हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन हटाने लगे हैं। बीफ फेफड़ा मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4 बड़ी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और इसे फिर से 1 मिनट के लिए मिक्स करके और सर्व करेंगे। मज़ेदार सा बीफ फेफड़ा मसाला रेडी है, अब हम इसे हरा धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।